फंजाई का टॉपिक हम पढ़े थे, और फंजाई के टॉपिक में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई की, और हमने देखे थे फंजाई के डिफरेंट फवाद, फंजाई किस तरह से हमें हेल्पफुल होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम बात करेंगे फंजाई के नुकसान के ऊपर, यानी कि लॉसेस ड्यू टू फंजाई। फंजाई के नुकसान की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फंजाई क्या नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो डिफरेंट बीमारियां हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। वन बाय वन हम आज के लेक्चर में उन बीमारियों को, उन डिजीज़ को देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लांट डिजीज। यानी कि पौधों के अंदर फंजाई की या फंगस लगने से क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। हम जानते हैं कि फंजाई के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्रेक कर देते हैं सब्सटेंसेस को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, क्योंकि फंजाई का काम ही डिकम्पोजिशन का है, ठीक है। तो वो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, वो एंजाइम्स जो हैं वो तोड़ देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये नॉर्मल सेल्स के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं। वो इस तरह से कि जब भी फंजाई किसी नॉर्मल हेल्दी सेल के ऊपर या हेल्दी प्लांट के ऊपर जाता है तो वो क्या करता है कि उसके सेल्स को तोड़ना शुरू हो जाता है। वो किस तरह से कि सेल्स के अंदर हम जानते हैं कि सेल्यूलोज से इनकी मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ठीक है, सेल वॉल बेसिकली, तो वो ब्रेक कर देते हैं सेल्यूलोज को, या फिर लिग्निन है, लिग्निन को तोड़ देगा, या क्यूटिन वगैरह है, ठीक है। इस तरह की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो टूटने लग जाएंगी। जब वो टूटने लग जाएंगी तो सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, और यही चीज़ जो है वो तमाम प्लांट्स को अफेक्ट कर रही होती है। इट अफेक्ट्स ऑल प्लांट्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक तो डेड सेल्स या डेड प्लांट्स तो डिकम्पोज होते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉर्मल हेल्दी प्लांट्स भी डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फंजाई की जब हम प्लांट डिजीज की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज जो है वो पौधों को आता है रस्ट और स्मट से। एक तो हमने देख लिया एंजाइम्स के, और दूसरा हम बात करते हैं रस्ट एंड स्मट की। ये पिक्चर अगर आप देखें, ये वाली जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि कॉर्न स्मट आपको दिखाया गया, ये है कॉर्न स्मट, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये भुट्टा या छली का एक पौधा है, और उसके ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक कलर का, और यहाँ पे ऊपर ये क्या है, बेसिकली ये सारा का सारा फंजाई है जो कि उसके ऊपर ग्रो हुआ है, ठीक है। और इसके यहाँ पे आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी जो वाइट ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, ये क्या है, ये इसके स्पोर्स हैं। इसी तरह अगर आप वीट पे देखें, गंदम के पौधे के ऊपर, तो गंदम के पौधे के ऊपर जो ये वीट कर्नल होता है उसके ऊपर भी आपको जो इसके दाने हैं उनके अंदर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये स्मट है, ठीक है। इसे हम वीट स्मट कहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि वीट के ऊपर, गंदम के पौधे के ऊपर किस तरह से स्मट एक्ट करता है। इसी तरह से चावल का दाना है, चावलों के ऊपर भी ये इसी तरह से एक्ट करेंगे, क्या होगा, ब्लैक ब्लैक यूँ हर दाने को अफेक्ट करते हुए फंजाई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा हमने बात की है रस्ट की। तो रस्ट क्या है, अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, और लीव्स के ऊपर आपको रेड और ऑरेंज कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, पर्पल ऑरेंज रेड कलर के स्पॉट्स, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे लग रहा है जिस तरह से ये पौधा जला हुआ है। तो ये क्या है बेसिकली, इसे हम कहते हैं रस्ट। नॉर्मली लीव्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर, पौधों के ऊपर इस तरह से ये रस्ट पाया जाता है, और क्या करता है कि पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है, जला देता है। और जब एक लीफ अफेक्ट होता है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसी पौधे के बाकी लीव्स और बाकी जो स्टेम वाला स्टेम का एरिया है वो भी अफेक्ट होने लग जाए। जैसे कि अभी हम रस्ट को देख रहे हैं, या इससे पहले हमने स्मट को देखा, तो ये रस्ट और स्मट जो हैं ये मोस्टली उन पौधों के ऊपर होते हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं फूड क्रॉप्स। ये वो फसलें हैं जिन्हें हम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इनके नुकसानात में एक बड़ा नुकसान जो है वो स्टारवेशन का आ जाता है, यानी कि आमतौर पे पूरी की पूरी फसलें ही तबाह हो जाती हैं, ठीक है। स्टारवेशन, पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं, और उन देहातों में या उन इलाकों में जहाँ पर ये फसलें बनती हैं वहाँ पर खाने पीने के लिए फिर कुछ भी बचता नहीं है। ये इसका एक वर्स्ट केस है। इसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ हैं जो कि फंजाई से रिलेटेड हैं, पौधों के अंदर पाई जाती हैं, और उनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़, हम अदर डिजीज़ में उनको मेंशन कर देते हैं। वो अदर डिजीज़ कौन कौन सी हैं, हम कहते हैं पाउडरी मेल्डियो पाया जाता है, पाउडरी मेल्डियो। और ये पाउडरी मेल्डियो किस किस चीज़ में होता है, ग्रेप्स में,
रोज़ गुलाब के पौधे के ऊपर या वीट गंदम के ऊपर, ठीक है, इस तरह के पौधों के अंदर ये पाउडर मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू बेसिकली है क्या, फफूंदी हम इसे कहते हैं उर्दू में, आपको पाउडर पाउडर सा वाइट कलर का पाउडर नज़र आएगा इस इमेज के अंदर। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अंगूर का पौधा, ग्रेप का पौधा दिखाया गया है, ग्रेप के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या है, इसके ऊपर फफूंदी लगी हुई है, ठीक है, वाइट वाइट पाउडर आपको नज़र आ रहा है जो इस पौधे के ऊपर लगा हुआ है, और ये इस पूरे पौधे को इसने तबाह कर दिया। तो ये हमने देख लिया पाउडरी मेल्डियो को। इसके अलावा कुछ और डिजीजेस भी हैं, जैसे हम कहते हैं एर्गोट ऑफ राय, राय के पौधे के ऊपर ये डिजीज़ पाई जाती है। इसके अलावा हम कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन क्या है, अगर आप गन्ने के पौधे को देखें, गन्ने का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको अक्सर रेड कलर की लाइंस नज़र आती हैं, इस इमेज के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये गन्ना है और गन्ने के ऊपर आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, तो वो रेड लाइंस यहाँ पे इस तरह से, ये रेड लाइंस, ये रेड लाइंस, ऊपर का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये रेड लाइंस क्या है, बेसिकली इसे हम कहते हैं ये है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसके अलावा बाकी जो फंगल डिजीज़ हैं उनके अंदर पोटैटो विल्ट आ जाता है, आलू जो के ख़राब होने लग जाते हैं अक्सर, आपको सावन के मौसम में लगेगा कि आलू जो है वो कुछ ज़्यादा ख़राब होने, उनसे स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ब्लैक होने लग जाते हैं अंदर से। इसके अलावा कॉटन रूट रॉट, ये भी फंगल डिजीज़ है। इसके अलावा एप्पल स्कैब और ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस एंड चेरीज, चेरीज और पीचेस जब गलने सड़ने लग जाती हैं तो वो भी फंगस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट डिजीज़ देख ली हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं ड्यू टू फंगस। इसके बाद हम आ जाते हैं एनिमल डिजीज़ के ऊपर, कि जानवरों के अंदर या अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो उनके अंदर फंगल डिजीज़ कौन कौन से होती हैं। एनिमल डिजीज़ को जब हम देखते हैं तो दो मेजर या बड़ी बीमारियाँ जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बेसिकली पाई जाती हैं वो कहलाती हैं, एक कहलाती है रिंगवॉर्म और एक कहलाती है एथलीट फुट। एथलीट्स फुट, ये क्या बीमारी है, सबसे पहले रिंगवॉर्म को देख लेते हैं। रिंगवॉर्म ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जिस्म के ऊपर गोल गोल निशानात आ जाते हैं, ठीक है, रेड कलर के गोल गोल निशान आ जाते हैं, उसके ऊपर पेन भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है, और ये दोनों बीमारी रिंगवॉर्म और एथलीट फुट, ये दोनों रिंगवॉर्म और एथलीट फुट दोनों किसकी वजह से, इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से होती हैं, ठीक है। तो रिंगवॉर्म के अंदर हमने कहा कि जिस्म के ऊपर रेड रेड निशानात आ जाते हैं गोल गोल, इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक पेशेंट के कंधे के ऊपर आपको ये रिंगवॉर्म नज़र आ रहा है, पहले ये छोटा होता है और फिर उसके बाद ये बढ़ता भी जाता है, ठीक है, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर आपको ये रिंगवॉर्म नज़र आ सकता है, ये क्या है, ड्यू टू फंजाई होता है ये। इसी तरह से इस दूसरे इमेज के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि पाँव की ये जो उंगलियाँ हैं इनके अंदर फंगल इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये कहलाता है एथलीट्स फुट, ठीक है। अक्सर ये आपको डिफरेंट, ये जो पाँव की उंगलियाँ इनके दरमियान में नज़र आएगा या फिर पाँव के निचले हिस्से पे नज़र आएगा, और ये इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता पूरे पाँव तक भी जा सकता है, और इसके केस में भी ऐसे ही होगा कि आपको हल्का सा पेन होगा, इरिटेशन होगी, और इस एरिया से ज़्यादा स्मेल आएगी, और स्मेल क्यों है, बिकॉज ऑफ फंगस। तो ये दो मेजर डिजीज़ हमने देख ली एनिमल्स के अंदर। इसके अलावा कुछ और डिजीज़ भी पाई जाती हैं और उनके डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। अच्छा, वन बाय वन हम उनको भी देखते जाते हैं। एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट है बेसिकली, जो कहलाता है एंडिडा, कैंडिडा एल्बैकन्स, कैंडिडा एल्बैकन्स, और इससे जो डिजीज़ कॉज होती है उसे हम कहते हैं थ्रश, थ्रशेस बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, और मोस्टली ये थ्रशेस जो हैं वो ओरल कैविटी यानी कि माउथ और वेजाइना के अंदर पाए जाएंगे। बेसिकली होता क्या है, वाइट कलर के स्पॉट्स बनते जाते हैं और छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, पेनफुल होते हैं और उनमें पस भी पड़ सकती है, तो इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, यीस्ट। इसी तरह एक और बीमारी जिसे हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस क्या है, ये लंग्स की बीमारी है या रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है, लंग्स इन्फेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, और ये लंग्स इन्फेक्शन किस तरह से होता है, ये लंग्स इन्फेक्शन होता है बाय इनहेलिंग फंगस स्पोर्स, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं उनको इनहेल करने से ये बीमारी हो जाती है। और वो स्पोर्स कहाँ से आते हैं, वो स्पोर्स बेसिकली जानवरों के या परिंदों के जो फीसिस है, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटीरियल है, उसके अंदर वो स्पोर्स पाए जाते हैं।
तो ये हमने देख लिया हिस्टोप्लाज्मोसिस को। अच्छा, अब इसका भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि जब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया और ये जो स्पोर्स हैं, फंगस स्पोर्स, वो बॉडी के अंदर आ गए, लंग्स के अंदर आ गए, तो फिर ये हो सकता है कि ये जो लंग्स के अंदर स्पोर्स हैं ये बाकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएँ वाया ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू ये बाकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएँ या चले जाएँ। जब ये बाकी बॉडी में जाएंगे तो क्या होगा कि वो बाकी ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करते जाएंगे, ठीक है, और इस ये एक बहुत ही सीरियस शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं एक और ऑर्गेनिज्म है जो कहलाता है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, जो कि एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम कहते हैं एस्परगिलोसिस। ये एस्परगिलोसिस जो है बेसिकली ये फेटल भी हो सकते हैं, डिजीज़ भी, डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और ये होता है कि एस्परगिलोसिस में बेसिकली ये होता है कि मोस्टली उन लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जो कि वीक इम्यून सिस्टम वाले होते हैं, यानी कि अगर किसी को एड्स है या किसी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, तो उन लोगों पर वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको ये बीमारी हो जाए। इसके अलावा एस्परगिलस जो है वो कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है, और उन टॉक्सिन्स की वजह से कुछ और बीमारियाँ हो जाती हैं। उन टॉक्सिन्स में एक हमारे पास जो टॉक्सिन है वो कहलाता है एफ्लाटॉक्सिन्स, और ये जो एफ्लाटॉक्सिन्स हैं ये क्या है, ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, यानी कि ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। यही जो एफ्लाटॉक्सिन है वो कुछ और खाने पीने की चीज़ें जैसे कि पीनट्स हैं या कॉर्न है, इनके दानों को अफेक्ट कर सकता है या कंटेमिनेट कर सकता है इनके ग्रेन्स को, और उससे क्या होगा कि जब ह्यूमन बीइंग्स इनको खाएंगे तो फिर उनके अंदर भी ये टॉक्सिन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इसके ट्रेसेस जो हैं वो मिल्क, अंडों में और गोश्त में भी कुछ ये एफ्लाटॉक्सिन्स के जो ट्रेसेस हैं वो पाए जा सकते हैं। और इनका इंटेक जब होगा, यानी कि जब हम दूध पियेंगे, ऐसा अंडा खाएंगे या ऐसा गोश्त लेंगे जिसके अंदर ये टॉक्सिन या ये केमिकल प्रेजेंट था एफ्लाटॉक्सिन, तो क्या होगा कि वो भी हमारे लिए कार्सिनोजेनिक साबित हो सकता है, यानी कि वो भी कैंसर कॉज कर सकता है। एक और बीमारी जो कि फंगस की वजह से होती है वो कहलाती है एर्गोटिज्म, और एर्गोटिज्म जो है वो किस तरह से कॉज होता है, ये कॉज होता है बाय ईटिंग पर्पल एर्गोट। पर एर्गोट के खाने से या इसके इंटेक से हो जाता है, और ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि सवेयर किस्म की बीमारी है जिसके रिजल्ट में डिल्यूजन्स हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, या कन्वर्जल्स हो सकती हैं, या नर्वस स्पैज्म हो सकते हैं। कन्वर्जल बेसिकली क्या है, ये झटके हैं, ठीक है, और नर्वस स्पैज्म यानी कि अकड़ जाना, बॉडी अकड़ जाती है या झटके लगने लगते हैं ऐसे जैसे मिर्गी के दौरे पड़े हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एर्गोटिज्म है, और वो किसकी वजह से है, पर्पल एर्गोट के खाने की वजह से। तो ये हमने देख लिया कि एनिमल्स के अंदर फंजाई के साथ से डिजीजेस कॉज कर रही है। इसके अलावा हम जानते हैं कि फंजाई क्योंकि सेप्रोट्रॉफिक है, यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपना डिकम्पोजिशन का काम करती है, तो जब वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिकम्पोजिशन का काम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमने बात की है कि वो नॉर्मल या हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोबिक भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, फंजाई की, यानी कि वो फंजाई जिसने डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करना था, लेकिन अब हो ये रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ हेल्दी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसकी जद में आ जाते हैं और वो डैमेज करते हैं। वो किन किन चीज़ों को डैमेज करता है, डैमेज जो है वो नॉर्मली फूड को डैमेज होता है जैसे कि हमने पहले बात की, इसके अलावा लकड़ी को, इसके अलावा फाइबर या लेदर, इस तरह की चीज़ों को डैमेज होने लगता है। जहाँ हम फूड की बात करते हैं, वहाँ जब फ्रूट्स हैं हमारे पास, हमने पहले भी एनिमल बल्कि प्लांट्स डिजीज़ के अंदर बात की है फ्रूट्स की, तो दुनिया में तकरीबन 15 से 50% का जो फल है हर साल वो ज़ाया हो जाता है ड्यू टू फंजाई। इसी तरह हमारे पास वुड रॉटिंग फंजाई है, वुड रॉटिंग फंजाई, और वुड रॉटिंग फंजाई क्या करता है कि वो हेल्दी वुड को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी कि लिविंग ट्रीज़ के ऊपर एक्ट करना शुरू हो जाएगा, या स्ट्रक्चरल टिम्बर्स हैं, टिम्बर्स, ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉइस्चर मिलेगा तो ये क्या करेगा, आके उसके ऊपर एक्ट करने लगेगा और उस चीज़ को डिकम्पोज करने लगेगा। इसी तरह एक और ऑर्गेनिज्म जो कि पिंक यीस्ट कहलाता है, पिंक
यीस्ट, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इसके ट्रेसेस, ह्यूमन बींग की स्किन के ऊपर इसके कुछ ट्रेसेस पाए जा सकते हैं. मोस्टली कहाँ होता है ये? मॉइस्ट सर्फेसिस के ऊपर ये पाया जाएगा और डिफरेंट नुकसान पहुंचाएगा. तो ये हमने देख लिया फंजाई के नुकसान. आज के लेक्चर को तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. आज हमने लॉसेस की बात किया, यानी कि फंजाई की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं. फिर उन लॉसेस के अंदर हमने पहले प्लांट डिजीज और फिर उसके बाद हमने एनिमल डिजीज को देख लिया. प्लांट डिजीज के अंदर हमने बात की है रस्ट और स्मट की. इसके अलावा हमने बात की है कि प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स की वजह से जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो भी डिकम्पोज होने शुरू हो जाते हैं. कुछ और बीमारियाँ जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू है, एर्गोट ऑफ राई, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट रॉट या एप्पल स्कैब, ब्राउन रॉट, इन सब चीज़ों की हमने बात की. इसके अलावा जब हम एनिमल डिजीज़ की बात कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स की हमने बात की और हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स में दो मेजर बीमारियाँ, एक रिंगवॉर्म और एक एथलीट फुट जो है वो पाई जाती है. इसके अलावा कुछ और बीमारियाँ जैसे कि थ्रशिज हैं या हिस्टोप्लाज्मोसिस है या एस्परगिलोस है, ये पाया जा सकता है जो कि फंजाई की वजह से. इसके अलावा कैंसर कॉजिंग एजेंट्स यानी कि एफ्लाटॉक्सिन, इस तरह के टॉक्सिन्स भी फंजाई प्रोड्यूस करता है. और एक और बीमारी एर्गोटिज्म की हमने बात की है जो कि फंजाई की वजह से है. इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल की आती हैं यानी कि फूड है या लकड़ी है या फाइबर है, लेदर है, चमड़ा वगैरह, तो इन सब चीज़ों की भी डिकम्पोजिशन या इन चीज़ों के गलने सड़ने का जो अमल है वो भी फंजाई की वजह से ही होता है. ये था हमारा आज का टॉपिक.